सो गाइस आज हम लोग क्लास 8 की स्प्रिंट सेशंस को छोड़ के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस प्लस रिवीजन सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें पहले हम लोग चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं, उसके बाद एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करेंगे। बिकॉज़ गाइस अगर रिवीजन कर लोगे तो आपका चैप्टर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा विद एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा, प्रैक्टिस हो जाएगी एक तरह से, बट आपके जो चेकबुक के जो एक्सरसाइज होते हैं एनसीईआरटी में, वो एक्सरसाइज भी सॉल्व हो जाएंगे और फिर तो मजे ही मजे हैं। बिकॉज एग्जाम तो आप तोड़ दोगे आग लगा देने वाले हो इस बार। बिकॉज वी गाइस हैव स्टडीड अ लॉट, हम लोगों ने बहुत मेहनत की, बहुत प्रैक्टिस की है, सेशन पीडीएफ नोट्स आपको मिले हैं, टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं आप लोगों ने, डाउट्स आपके सॉल्व हो चुके, तो एवरीथिंग इज जस्ट लाइक क्रिस्टल क्लियर विद यू गाइस, राइट। और मैं आप सबको बताना चाहूँगी, भूलूंगी नहीं, कि हम लोगों ने इस चैप्टर का पूरा जो चैप्टर है उसके एक चीज एक सेशन ऑलरेडी कंडक्ट किया, जिसमें पूरा चैप्टर को डिटेल में पढ़ा, साथ साथ में स्प्रिंट किया, तो उसको चैप्टर इन वन शॉट बोलते हैं। ओके, तो वो वीडियो जरूर देख ली, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑफकोर्स आई ऑलवेज प्रोवाइडेड आउट देयर। सो डाउट सॉल्विंग फॉर्म, तो सॉरी सजेशन फॉर्म गाइस, सो इफ यू हैव एनी सजेशन रिगार्डिंग माई टीचिंग और एनीथिंग एल्स, इफ यू वॉन्ट एनी वीडियो ऑफ योर चॉइस, यू कैन जस्ट टेल मी द सजेशन फॉर्म प्रोवाइडेड बिलो। इफ यू डू नॉट नो हाउ टू ओपन इन, हाउ टू आंसर द क्वेश्चन, हियर इट गोज, हियर द ट्यूटोरियल फॉर यू गाइस। नाउ अब आपको कोई डाउट भी आते होंगे ना, ओके, सो यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन द डाउट सॉल्विंग फॉर्म दैट इज प्रोवाइडेड बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपके सारे डाउट्स उसमें आपको टाइप करने हैं, पहले ईमेल एड्रेस टाइप करो, वैलिड ईमेल एड्रेस सो दैट आई कैन मेल यू गाइस। एंड या यहाँ पे आपके नेम टाइप करने हैं, व्हाट इज एग्जैक्टली योर नेम एंड हैव यू सब्सक्राइब टू माई चैनल नॉट, और थोड़ा योर डाउट इज अ विच सीरीज, योर डाउट इज अ विच वीडियो, और लास्ट में अपने डाउट्स को पूरा पोस्ट कर दो, भर भर के डाउट्स पोस्ट करो, जितने लास्ट में सबमिट पे क्लिक कर दो और आपके डाउट्स यहाँ पे मेरे पास पोस्ट हो जाएंगे। आई विल एग्जैक्टली व्यू दैट डाउट्स, ठीक है, और फिर मैं डाउट सॉल्विंग वीडियोस बना के आपके डाउट सॉल्व कर दूंगी। नाउ गाइस सेशन पीडीएफ चाहिए, आपको नोट्स चाहिए, नोट्स की आपको परवाह है, ऑफ कोर्स है, तो क्या करना है, लिंक पे जाना है, उस पर पहले व्यू कर लो, फिर ये वाला जो बटन दिख रहा है ये डाउनलोड का बटन होता है, आपका डाउनलोड का बटन लुक समथिंग लाइक दिस, इस पर क्लिक कर दो। आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होगा फोन में या फिर दूसरा जो पीडीएफ व्यूअर होगा उससे आप उसको You can easily just view it out there. Okay, guys? अब move on करते हैं और जानते हैं टेस्ट कैसे देने। टेस्ट के भी जो लिंक होते हैं ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है, तो यू कैन गाइस कैन इवन गिव द टेस्ट, तो टेस्ट के लिंक पे भी क्लिक करो। और सारे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, बहुत सारे चेक बॉक्सेस के भी होते हैं एंड फ्री आंसर, फिर लास्ट में सबमिट के बटन पे क्लिक कर दोगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद व्यू स्कोर पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपके मार्क्स आपको मिल जाएंगे, मिस्ड क्वेश्चन, एवरीथिंग, यू जस्ट गेट इट आउट देयर एंड हियर इट गोज द स्लाइड। और आप थोड़ा एडवर्टाइज करने के बाद हम लोग अपने सेशन से बिगिन करते हैं, ठीक है। सो यार सबसे पहले कीवर्ड्स को प्रैक्टिस करते हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस वो क्या होती हैं। सो हम लोग को क्रॉप प्रोडक्शन करने से पहले, बिफोर प्रोड्यूसिंग अवर क्रॉप्स वी नीड सम प्रैक्टिसेस, वी नीड सम प्रेपरेशंस, कुछ ज़रूरतें होती हैं, देर आर सम प्रोसेसेस, दोज आर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एनिमल हस्बेंड्री इज, वी ऑल्सो गेट फूड फ्रॉम एनिमल्स एंड द रियरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर ऑब्टेनिंग फूड इज नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। क्रॉप इज अ सेम टाइप ऑफ प्लांट कल्टिवेटेड एट अ लार्ज स्केल इज नोन एज अ क्रॉप। फर्टिलाइजर्स आर योर इन ऑर्गेनिक सॉइल दैट प्रोवाइड सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। ग्रेनरीज आर द दे आर द स्टोरेज सैक्स विच स्टोर योर ग्रेन्स। ओके, हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस और इज अ बेसिकली इट्स अ बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन विच द क्रॉप इज कटेड। ओके, उसको कट किया जाता है, द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट्स मेच्योरिटी, आफ्टर इट्स मेच्योर, वंस आफ्टर इट्स मेच्योर दैट इज नोन एज योर हार्वेस्टिंग। ओके, इट्स डन मैनुअली एज वेल एज इट कैन बी डन थ्रू मशीन्स। इरीगेशन इज द प्रोसेस ऑफ सप्लाई ऑफ वाटर टू प्लांट्स एट अप्रोप्रिएट टाइम इंटरवल्स इज कॉल्ड इरीगेशन। ठीक है, आर्टिफिशियल मेथड्स आर द टू, द ड्रिप इरीगेशन एंड द स्प्रिंकलर सिस्टम। खरीफ क्रॉप्स आर, आपके खरीफ क्रॉप्स आर, यू नो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्रॉप बेसिकली, एक खरीफ हो गए आपके, एक रावी हो गए आपका, ज़ैद भी होते हैं। आई नो एनसीईआरटी में ज़ैद क्रॉप्स नहीं हैं बट होते हैं यार, समर क्रॉप्स को ज़ैद क्रॉप्स बोले जाते हैं। योर समर क्रॉप्स आर योर ज़ैद क्रॉप्स, ठीक है, उसको ज़ैद क्रॉप्स बोलते हैं आपके। योर यहाँ पे आपके रावी आ गए, यहाँ पे आपके खरीफ आ गए, खरीफ रावी क्रॉप्स आ रही हो विंटर क्रॉप्स। ओके, और आपके खरीफ क्रॉप आ रही हो रेनी सीजन क्रॉप्स, जो कि आपके मॉनसून के क्रॉप्स होते हैं, है ना। सो रावी क्रॉप पढ़ लिया, आपके सीड्स होते हैं, ऑफकोर्स यू मस्ट बी अवेयर उनको, आपको व्हेन यू ग्रो देम सीड्स, ठीक है, वो सीड्स को जब आप डालते हो सॉइल में देन दे ग्रो टू अ प्लांट एंड उसी को द सोइंग ऑफ सीड्स ना, यू नो जब आपको सीडिंग करते हो तब उसको बोला जाता है आपका सोइंग। सिलोज भी आपके वही होते हैं,
container in which you store the grains. Your storage is the last process in which you have to make sure that you protect your grains from pests and insects. Threshing is the process of separation of chaff from grains. Weeds are the undesirable or unwanted plants that grow along with your crops. Weedicides are the chemical spray substances that are sprayed on weeds in order to kill them. Okay, of course. And winnowing is one of the process of separation of substances, and of course it is used for threshing. I hope you guys are crystal clear till here. आप चलिए जानते हैं what you have learnt. So all you have learnt is यहाँ पे देखते हैं. In order to provide food for a growing population, we need some agricultural practices. Same kind of plants constitute at a place, cultivated at a place constitute a crop. In India, crops can be broadly categorized in two types based on the seasons. For example, Rabi and खरीफ क्रॉप्स. एंड इट इज नेसेसरी टू प्रिपेयर द सॉइल बिफोर, बिकॉज अगर मैं वीडियो बनाने से पहले ऐसे पागल जैसी आ जाऊँ, मैंने अपने बाल सेट नहीं किए हैं, एंड आई एम जस्ट नॉट रेडी. ठीक है, मेरा मन भी नहीं है शूट करने का, मैंने अच्छे कपड़े नहीं पहन रखे हैं, एंड आई एम लाइक ओके मैं ऐसे ही आ जाती हूँ अगर नहाए धोए कैसे भी. रियली गुड, क्या मैं अच्छा वीडियो बना पाऊंगी विदाउट प्रिपरेशन? मैंने अगर अच्छे स्लाइड्स नहीं बना रखे आप सबके लिए, विल यू गाइस एंजॉय द वीडियो? मैं भी एंजॉय नहीं करूंगी बनाने के लिए. तो प्रिपरेशन बहुत जरूरी होती है, इसीलिए प्लांट्स में भी वैसे ही प्रिपरेशन इज नेसेसरी. बिकॉज एज आई हैव, आई एम कमिंग टू शूट दिस वीडियो, आई एम माई सेल्फ प्रिपेयर. माई हेयर इज ऑल डन, माई आई हैव जस्ट बाथ, आई एम रेडी, माई स्लाइड्स आर ऑल डन, माई एनिमेशन आर ऑल डन, एंड ऑफकोर्स सारी जो सेटिंग्स एडिटिंग एवरीथिंग इज डन. In that way only, when you have to grow some crop, your soil should be also prepared, as I am prepared before growing my video. मैं अपने वीडियो को ग्रो करना चाहती हूँ उसके पहले I am prepared, and for growing your crops you have to be prepared, for your soil have to be prepared. क्योंकि वीडियो किस में बनेगा? मुझ में बनेगा. इसलिए प्लांट्स किस में बनेंगे? आपके सॉइल में बनने वाले हैं. Now guys, sowing of seeds are appropriate depths and distances that make, ये जो चीज़ होती है ना कि your soil seeds should be even covered with soil after that, वो broadcast नहीं कर दिए जाते हैं, and they should be at equal distances, appropriate depths होने चाहिए, and of course, that is ensured by your seed drill, okay, that is your agricultural implement. Now, good variety of seeds are sown after selection of healthy seeds, because then they are just poured in water, and in water the seeds that are not healthy, they just float above the water because they have hollow in them, and soil needs replenishment and enrichment through enrichment through that they get through chemical fertilizers that are your inorganic salts and manures that are your organic substances. Okay, now supply of water to crops at appropriate intervals is called irrigation. Weeding involves removal of unwanted and uncultivated plants called seeds. What is weeding? जब आप ये जो आपके वीड्स हो जाते हैं ना, जो दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर प्लांट्स. ठीक है, बिकॉज फॉर दैट योर प्लांट्स हैव टू कॉम्पिटिट, उनको रिमूव करने वाली जो प्रोसेस होती है, वेदर यू आर डूइंग इट मैनुअली, यूजिंग मशीन्स, वीडिसाइड्स, एनीथिंग, दैट इज नोन एज वीडिंग. ओके, हार्वेस्टिंग इज द कटिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप आफ्टर इट इज mature, and it can be done manually as well as it can be done using machines. Separation of the grains from the chaff is called threshing, that I've already told you guys. And proper storage of grains is necessary to protect them from pests and microbes. And food is also obtained from animals, and this is called animal husbandry, because we eat our animals for our food. Getting our food. Now select the correct options from the following statements. So pehla hai, the same kind of crops grows, the same kind of plants grown and cultivated, that is your crops. Theek hai, answer here is crops. Now yahan pe crop aa gaya. The first step before growing crops is preparation of soil. Damaged seeds would float on water as they have holes in them. For growing a crop, sufficient sunlight and blank water and nutrients, yahan pe water and nutrients answer yahan pe likha hua hai, are required. Okay, are required to fill in the blanks. You have cracked it out there, and you are moving on to the another question for the day. क्या आपका क्वेश्चन नंबर टू एक्सरसाइज क्वेश्चन वैसे हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है. अब दूसरा क्वेश्चन आपका मैच द फॉलोइंग खरीफ क्रॉप्स आर, अब गाइस खरीफ क्रॉप और रावी क्रॉप्स, इन दोनों के आंसर ना आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. दिस इज योर होमवर्क फॉर द डे, आपका होमवर्क फॉर द डे. और वीडियो के एंड में मैं
आप लोगों को एक और होमवर्क देने वाली हूँ, आई हैव अ लॉट ऑफ होमवर्क फॉर यू, जिसके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। व्हाट आर योर केमिकल फर्टिलाइजर्स? योर यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। एंड आपका एनपीके भी एक केमिकल फर्टिलाइजर होता है, दैट कंटेन्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, दैट आर योर थ्री मेन यू नो प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ओके, ऑर्गेनिक मैन्योर, दैट इज योर वर्मी कंपोस्ट, एनिमल एक्सक्रीटा, फॉर एग्जाम्पल काउ डंग्स आर यूज फॉर ऑर्गेनिक मैन्योर एंड द मैन्योर, एंड दे कैन बी प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स एज वेल, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। एंड या ये वाला मैं बता दूँ, फूड फॉर कैटल ना, ये किसी में नहीं आने वाला है, ये नहीं आने वाला है। तो आपका वीट ग्राम और पी रबी क्रॉप है या खरीफ क्रॉप है, यू हैव टू सिलेक्ट। पैडी एंड मेज आर योर रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स, यू हैव टू सिलेक्ट। आई रियली नो दिस, बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है ये, आप सबको पता ही होगा। एंड या अब इसका आंसर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो पैडी एंड मेज आर योर खरीफ क्रॉप्स बिकॉज दे नीड अ लॉट ऑफ वाटर, वीट एंड ग्राम आर योर रबी क्रॉप्स बिकॉज दे डू नॉट नीड अ लॉट ऑफ वाटर, विंटर में ईजिली ग्रो हो सकते हैं। ठीक है, वैसे आंसर तो मैंने दे दिया, बट स्टिल यू कैन जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ पैराग्राफ और योर ओन वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, वीडिंग और थ्रेशिंग, इन सब के ऊपर पैराग्राफ्स लिखने हैं। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्विंग अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला पैराग्राफ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पे, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है? तो सॉइल प्रिपरेशन इज नेसेसरी बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप, इट इन्वॉल्व स्टाइलिंग एंड लूजनिंग द सॉइल, दिस अलाउज द रूट टू पेनिट्रेट डीप इन द सॉइल एंड टू ब्रीथ इजिली इवन वेन दे आर डीप। ओके, इवन वेन दे आर डीप। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू ओनली एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, चैप्टर की एक्सप्लेनेशन में नहीं करने वाली ऑल बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस चैप्टर इन डिटेल। सो अगर आपको सेशन देखना, आई बटन पे क्लिक करके देख लो या फिर लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, also in the comments below. So now sowing, what is sowing? The process of putting seeds into the soil is called sowing. The tool used traditionally for sowing seeds is a funnel shaped tool that helps you to sow seeds. Okay, nowadays a seed drill is used and that is like costly, but of course it's quite helpful as well. And yeah, this tool is really amazing. Weeding, some undesirable, what exactly the hell is that? But it's like some undesirable plants grow along with the crop, and this unwanted plants are called weeds. The process of removing this unwanted plants is called weeding. Now threshing is the process of separating the grain from the chaff. Okay, आई होप आप सबको इतना ज़्यादा, इतना तो क्लियर है, थोड़ा बहुत हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट थिंग इज दैट इज क्वेश्चन 5, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फॉर मैन्योर। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, एनसीईआरटी की बुक उठाओ, उसमें ये चार्ट होगा, इसको बस पढ़ लो यार, ये चार्ट के अंदर ही सारे आंसर्स आपको मिल जाने वाले हैं। सो फर्टिलाइजर्स क्या होता है? इट इज़ योर मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट, वाइल योर मैन्योर्स आर टोटली ऑर्गेनिक। मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज। ठीक है, जो प्लांट रेसिड्यूज जो छोड़ देते हैं ना, उनकी वजह से आपको मैन्योर्स बन के आता है। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, वेल मैन्योर कैन बी इजिली प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स एज वेल। ओके, यू डू नॉट नीड जस्ट फैक्ट्रीज फॉर दैट, यू डू नॉट नीड लेबोरेटरीज फॉर दैट, यू कैन जस्ट प्रिपेयर इट ईजिली, अपने घर पे बना सकते हो, फील्ड्स में बना सकते हो। फर्टिलाइजर्स डू नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल एंड दे ऑल्सो डिक्रीज द सॉइल यू नो वाटर होल्डिंग प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल, वाटर होल्डिंग प्रॉपर्टी बोलो या फिर एबिलिटी बोलो प्लांट्स की, दे ऑल्सो डिक्रीज दैट एंड दे डू नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, एंड ह्यूमस इज रियली इंपॉर्टेंट। बट मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, लाइक हम लोग जोश, मैं आपको जोश प्रोवाइड करती हूँ, मैन्योर्स ह्यूमस प्रोवाइड करता है सॉइल को। एंड फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, दे आर वेरी रिच इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, दैट इज योर प्लांट न्यूट्रिएंट्स। और एनपीके जैसे कि पास हम लोगों ने की, जिसमें आपका एन से नाइट्रोजन, पी से फॉस्फोरस और पोटेशियम का के। अब पोटेशियम का के क्यों यूज़ कर रहे हैं, पी क्यों नहीं यूज़ कर रहे? पोटेशियम तो पी से होता है, क्योंकि पोटेशियम का केमिकल जो सिंबल है वो है आपका के। ओके, मैन्योर इज लेस इन प्लांट रिच यू नो न्यूट्रिएंट्स, उसके पास इतने प्लांट न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, बिकॉज हर चीज़ के अगर कुछ एडवांटेजेस होते हैं तो डिसएडवांटेजेस आर ऑलवेज देयर फॉर यू गाइस। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज इन फ्रंट ऑफ यू गाइस, व्हाट इज इरिगेशन? डिस्क्राइब टू मेथड्स ऑफ इरिगेशन टू कंजर्व वाटर, विच कंजर्व वाटर। सो सबसे पहला है व्हाट इज इरिगेशन, सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स क्रॉप्स एट एप्रोप्रिएट टाइम इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। पहला मेथड इज स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम, दिस इरिगेशन सिस्टम हैज एन अरेंजमेंट ऑफ वर्टिकल पाइप्स विद रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप, इट इज मोर यूजफुल इन द अनइवन एंड सैंडी लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज not available, and drip irrigation system is very helpful as this irrigation system has an arrangement of pipes or tubes with very small holes in them to water plants drop by drop just as the base of the roots, it is very efficient as water is not wasted at all। So ये सारा मैंने explain कर रखा है, इसलिए अभी मैं सिर्फ read कर रही हूँ। ठीक है, explanation की video ज़रूर देखना यार।
Now question number 7 in front of you guys on your screens. If wheat is sown in is kharif season, what would happen? Wheat, what is wheat? Wheat is a rabi crop. उसको इतना ज़्यादा water की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है? तो अगर उसको खारिफ सीज़न आपका rainy season में grow किया गया, तो क्या होने वाला है? Discuss. अब यहाँ पे ये नहीं है कि answer को note करो. Of course, exam में पूछा होगा तो आपको answer note down करना है. पर यहाँ पे discuss है, तो क्या हम लोग answer को theoretical देखने वाले? नहीं यार. Let's discuss this answer. तो here starts the discussion. तो discussion start करते हैं. आप और मैं पहले ये पूछने वाली हूँ, खारिफ क्रॉप कब ग्रो होते हैं? When they are grown in rainy season में खरीफ क्रॉप क्यों grown होते हैं? ग्रो होते हैं, ठीक है? एक बहुत अच्छा रीज़न हो सकता है कि they probably require a lot of water. एक there can be a very appropriate reason कि जब रेन होता है तो बहुत वाटर ग्रो नीचे जाती है जो कि आपके क्रॉप्स को मिलती हैं, एंड या दैट कैन बी रीज़न दैट दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर. खरीफ क्रॉप आपके कौन कौन से? या पैडी और मेज़ देख लो, पैडी देख लो, ठीक है? उसको बहुत सारे वाटर की ज़रूरत होती है, इसलिए वो रेनी सीजन में ग्रो होता है. अब वीट जो है उसको इतना वाटर की ज़रूरत नहीं है, इट डजंट रिक्वायर वाटर. उसको हॉट टेम्परेचर नहीं चाहिए, उसको थोड़ा कोल्ड सा टेम्परेचर चाहिए, उसको वाटर नहीं चाहिए इतना ज़्यादा, इसीलिए वो रबी क्रॉप है. अब उसको आप पानी पे पानी दे जाओगे, जब बारिश का सीज़न होगा, जब उसको इतना ज़्यादा पानी मिलेगा, डू यू थिंक इट विल ग्रो? वो पता है वो वहीं पे है ना, वो जल के मर जाने वाला है, ठीक है? इट विल जस्ट डाई, ठीक है? कुछ नहीं, यील्ड बहुत कम हो जाएगी, बिल्कुल यील्ड नहीं होने वाला है, इतना ज़्यादा पानी मिला. ऑफकोर्स वाटर इज नेसेसरी, बट रेनी सीजन अप्रोप्रिएट नहीं होता है, ठीक है? सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज एक्सप्लेन हाउ सोइल्स गेट अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन इन अ क्रॉप. तो इसके लिए क्रॉप रोटेशन का एक टॉपिक आपका आ गया है. So continuous plantation of crops makes the soil poorer in certain nutrients. As the crop take the nutrients from the soil becomes infertile if it does not get enough time to replenish the nutrients. तो इसका एक मतलब क्या निकल करके आ सकता है कि अगर अभी अभी अपने अपने soil पे wheat grow किया है ना, example दे रही हूँ, do not take it कि ऐसा ही होता होगा. ऐसा होता है ऑफकोर्स, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं जैसे बोल रही हूँ वीट को सबसे ज़्यादा आपका पोटेशियम की ज़रूरत पड़ता है. एग्जाम्पल दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि वीट को पोटेशियम की ज़रूरत पड़ता है, ठीक है? आई एम जस्ट गिविंग इट इन द फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल. तो अगर आपने वीट ग्रो किया तो सॉइल में जितना पोटेशियम था, 50% पोटेशियम समझ लो इस वीट ने निचोड़ लिया, क्योंकि उसको ज़्यादा पोटेशियम चाहिए. फिर से आपने वीट ही ग्रो कर दिया, कुछ और ग्रो करने की जगह फिर से वीट ग्रो कर दिया, फिर बाकी का जो 50% है वो भी दूसरे वाले सेक्शन बैच ने ले लिया. अब प्लांट में क्या हो गया, पोटैश जो सॉइल है उसमें पोटेशियम तो अब है नहीं, तो अब सॉइल को पोटेशियम कैसे मिलेगा? तो उसके लिए ना उसको टाइम मिलनी चाहिए रिप्लेनिश होने के लिए. तो एक बार आपने वीट ग्रो किया है ना, तो उसके बाद आप क्या करोगे, आप उसके बाद कोई और प्लांट ग्रो करोगे जो पोटेशियम इतना ज़्यादा रिक्वायर नहीं करता. एक और एग्जांपल देख ले यार, क्योंकि क्रॉप रोटेशन मैंने अपने लास्ट वीडियो में इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, तो इसमें मैं कर दूँ. फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने ले लिया मेज़, ठीक है? अब समझ लेते हैं एक एग्जांपल के रूप में कि मेज़ को सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है. फॉर एग्जांपल इफ मेज़ रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन, तो क्या होगा, मेज़ को जब हम लोग ग्रो करेंगे तो 50% नाइट्रोजन तो सॉइल को वो खा जाएगी. द मेज़ विल टेक 50% नाइट्रोजन ऑफ द सॉइल. तो अब क्या करने वाली है वो, अब अगर फिर से आप मेज़ ग्रो कर दोगे तो फिर 50% नाइट्रोजन चला जाएगा, तो नाइट्रोजन लैक करेगा सॉइल. इसकी जगह आपको क्या करना है, फिर से मेज ग्रो करने की जगह पे आपको एक लेग्यूमिनस प्लांट, फॉर एग्जांपल ग्राम ग्रो कर दो, ठीक है? ग्राम ग्रो कर दो. अब ग्राम ग्रो करोगे तो क्या होगा, राइजोबियम बैक्टीरिया उसके रूट नेड्यूल्स में आएगा, बैक्टीरिया फिक्स, यू नो बैक्टीरिया वो नाइट्रोजन फिक्स करेगा, तो फिर जो 50% नाइट्रोजन खोया है वो फिर से उसको वापस मिल जाएगा. फिर से आप मेज ग्रो कर दो तो फिर आपको 50% मिल जाएगा. ये आपका क्रॉप रोटेशन होता है, दिस इज योर क्रॉप रोटेशन. यार आपको ये तो एकदम अच्छे से क्लियर है ना, ठीक है? आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर वीट्स, हाउ कैन वी कंट्रोल देम. आंसर, द अनडिजायरेबल एंड अनवांटेड प्लांट्स व्हिच ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप्स आर कॉल्ड योर वीट्स, एंड द ग्रोथ ऑफ वीट्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय यू नो अ लॉट ऑफ डिफरेंट अडैप्टिंग अ डिफरेंट वेज, एंड हियर आर सम ऑफ देम. सो टाइलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग द वीट्स व्हिच मे देन ड्राई अप एंड गेट मिक्स्ड विद द सॉइल. वीट्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स are that are sprayed in order to kill the weeds. Okay, ठीक है चले. I hope you guys are super clear till here. अब question number 10 की तरफ move on करते हैं. Arrange the following boxes in proper order. तो सबसे पहला देख लो यहाँ पे, सबसे पहला क्या है,
सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री, ठीक है, ये शुगर प्रोडक्शन का, शुगर क्रेन के बाद शुगर प्रोडक्शन। तो सबसे पहले आप है ना शुगर फैक्ट्री में भेज देते हो क्या? वो तो लास्ट में होगा ना, सो ऑफ कोर्स दैट विल बी द लास्ट वन। तो कितने स्टेप्स है? ये सेवेंथ वन होगा। इरीगेशन, इरीगेशन आप सबसे पहले करोगे। विल यू गाइस डू इरीगेशन? सबसे आपने पहले शुगर फैक्ट्री को वो भेज दिया फिर इरीगेशन करोगे? नहीं, ये अप्रोप्रिएट स्टेप्स नहीं है, इनको अप्रोप्रिएट करना है। देन हार्वेस्टिंग, इरीगेशन के बाद हार्वेस्टिंग, देन सोइंग, देन प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो सबसे पहले आपका प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है? सॉइल को प्लाउ कर देना है, उसके लिए आपको सॉइल को प्लाउ करना है। देन वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू सो द सीड्स, आपको सीड्स सो करना है। देन उनको आपको इरीगेशन प्रोवाइड करना है, मैनुअल्स प्रोवाइड करने हैं, फिर हार्वेस्टिंग होगी, फिर वो शुगर फैक्ट्री में जाने वाला है। ऐसे नहीं होने वाला कुछ। तो आप इनके अप्रोप्रिएट स्टेप्स बोलते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्लाउइंग द फील्ड, सोइंग, मैनुअरिंग, इरीगेशन, हार्वेस्टिंग एंड सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री, ठीक है। तो आप सबको यहाँ तक क्लियर है? एंड गाइज मूविंग ऑन, सबसे पहले बता दो एंड स्क्रीन आ चुका है। आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड द वीडियो अ लॉट, क्योंकि मेरी बुलंद आवाज़ मेरी आप सब तक पहुंच ही गई होगी। एग्जाम्स को तोड़ दो, फोड़ दो, कुछ भी करना है, लेकिन इस बार एग्जाम में सबसे अच्छे मार्क्स लाने, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई है, टेस्ट लिए हैं, डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, बिकॉज दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है। ऐसे नहीं चलता है, फ्री का मटेरियल तो आप नहीं ले सकते। एंड सब्सक्राइब करने में जाते ही क्या, इट्स वेरी इजी टू सब्सक्राइब, जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन ये वाला जो बटन होता है उस पर क्लिक करना है नीचे, एंड ऑफकोर्स यू विल सब्सक्राइब टू माई चैनल। और लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, सो दैट मैनी ऑफ योर फ्रेंड्स एंड एवरी वन कैन गेट दैट। ऑफकोर्स दैट इज अ चैनल नेम ज्योति वर्मा, विच टीचेज यू फॉर ग्रेड 6 to 8। सो बाय गाइज।